हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना आज का न्यू ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगा। आज हमारे दूल्हा भाई हमारे लिए अपने हाथों से बना रहे हैं चिकन। तो देखते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि दूल्हा भाई कैसे बनाते हैं चिकन, और उनकी रेसिपी भी देखते हैं कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ दूल्हा भाई ने मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डाल दिया है, और हरी मिर्ची काट के डाल दी हैं। तो वो अभी उसको भून रहे हैं। और यहाँ रखा है चिकन जो मैंने धो दिया है अच्छे तरीके से, और दूल्हा भाई ने हरी मिर्ची डाली काट के और टमाटर डाले काट के। तो ये दो चीज़ अलग है जो मैं नहीं डालती हूँ, और हरी मिर्च तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ। मसाला अच्छे तरीके से भुनने के बाद दूल्हा भाई ने चिकन डाल दिया है। अब वो मसाले के साथ चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और उसमें मसाले में चिकन को भून रहे हैं। तो मैं आपको एक बार करीब से दिखा देती हूँ कि मसाले में कलर कितना अच्छा आया है, और हम इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। और यहाँ देखिए दूल्हा भाई का चिकन बनकर तैयार है, और देखने में काफ़ी लजीज है, और वैसे ही खाने में काफ़ी टेस्टी लाजवाब बना था चिकन। मुझे और बाकी सबको, सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप सभी को कैसे लगी दूल्हा भाई की चिकन की रेसिपी? इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी सोच रहे होंगे कि बस सिर्फ दूल्हा भाई को सब्जी बनाने आती है। दूल्हा भाई को सब्जी नहीं बल्कि रोटियां भी बनाने आती हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियां बेल रही हूँ और दूल्हा भाई रोटियां सेक रहे हैं। तो सामने दूल्हा भाई बैठ गए हैं और मैं यहाँ बेलती जा रही हूँ और दूल्हा भाई रोटियाँ सेकती जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि आज मैं खाना बनाऊँगा, तो मैंने कहा मैं बेल देती हूँ, वरना वो तो बेल भी रहे थे। मैं मुझसे मना कर रहा कि नहीं रहने दो, मैं ही बेल लूँगा, मैं सेक लूँगा, आज मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाइए। मैंने कहा अरे नहीं, तुमने सब्जी भी बना दी, अब रोटियाँ भी आप बनाओगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बेलती जाती हूँ, आप सेकती जाओ। तो हमारे सलमान दूल्हा भाई खाना बना लेते हैं काफ़ी अच्छा, और जब भी वो घर पे आए ना, सब्जी तो मैंने उनके हाथ की खाई है। अगर वो कम टाइम के लिए आते ना, जैसे आ जाएँ दूसरे दिन जा रहे हैं, तो नहीं ऐसे मौका नहीं मिल पाता कि उनके हाथ का खाना खाएं। मगर ऐसे वो एक दफ़ा मैं उनके घर पे गई थी इससे काफ़ी टाइम पहले रहने के लिए, जब उन्होंने मटर पनीर की सब्ज़ी बना के खिलाई थी, लाजवाब सब्जी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। शायद मैं उस वक्त वीडियो व्लॉगिंग नहीं करती थी जब बनाई थी। तो यहाँ पे मैं बेलती जा रही हूँ, दूल्हा भाई सेकते जा रहे हैं, और माशाल्लाह से दूल्हा भाई देख सकते हैं आप सभी, रोटियाँ ऐसे ही नहीं सेक रहे हैं, काफ़ी अच्छी सेक रहे हैं, ना ही जल रही हैं, और अच्छे अच्छे फूल रही हैं, फूली फूली रोटियाँ सेक रहे हैं। तो आप सभी को कैसा लगा हमारे दूल्हा भाई को कुकिंग करते हुए देखते हुए? अगर आप सभी को पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर बताना किस किस के दूल्हा भाई ऐसे खाना बना के खिलाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी दस्तरखान लगा के बैठ गए हैं, और यहाँ दूल्हा भाई खाना निकाल रहे हैं अपने लिए, और सभी बैठ गए हैं। बस अब हम खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और आप सभी भी हमारे साथ में इंजॉय कीजिए। और अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। और मैं ऐसे हाथ से इशारा करके बता रही थी कि देखिए दूल्हा भाई ने कितनी थोड़ी सी सब्जी ली है खाने के लिए। और यहाँ पे बाकी सब अपने एक एक करके खाना निकालते जा रहे हैं, और बस खाना खाते हैं, और फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया है और हम निकले हैं घर से सब्ज़ी लेने के लिए, मगर सवाना जी जैसे हम डेली सब्ज़ी लेते थे जहाँ से, वो अंकल सब्ज़ी का ठेले लेके अगर दूसरी जगह निकल गए हैं और वो जगह सवाना जी के घर से थोड़ी सी दूर पर है, तो हम वहीं पर आए हैं। वो है ये जगह, ये एक सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये सोसाइटी, काफ़ी सुंदर सोसाइटी बनी हुई है। तो यहाँ पर वो भैया ठेला लेके आए हैं, तो बस हम उन्हीं के पास जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ लेके जा रही हैं सवाना जी, और फिर सब्ज़ी का ठेला देखा तो फिर अच्छा ये यहाँ पे लेके आई हैं, और सब्ज़ी का ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, सोसाइटी में सब्ज़ी बेचने के लिए आए हैं ये भैया। तो हम इनके पास आ गए हैं और हम यहाँ से सब्ज़ी ले रहे हैं, और सोसाइटी के भी कुछ लोग यहाँ से सब्ज़ी ले रहे थे। तो ये है उद्गम रेसिडेंसी, उद्गम सोसाइटी है, और सवाना माजी पता नहीं इसको कुछ अलग नाम से पुकार रही थी, कुछ अलग नाम ले रही थी, वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी सुंदर सोसाइटी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं भी सोचती हूँ कि अपन ऐसी सोसाइटी में रहो, और अपन वैसे माशाल्लाह से हमारा मोहल्ला भी अच्छा है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जगह, मेन रोड पे हमारा घर बना हुआ है अल्लाह के करम से, मगर ऐसी ना शांत सोसाइटी भी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता है, अपना अलग पर्सनल ऐसे रोड होते हैं, बच्चे खेले तो वो भी अच्छा लगता है ना, कि गाड़ी वगैरह का कोई डर नहीं रहता है। और इसमें एक छोटा सा पार्क भी था जो समानवा जी मुझको दिखाने के लिए ले गई, तो हम वहीं पर जा रहे हैं पार्क देखने के लिए। माशाल्लाह से पार्क काफ़ी अच्छा है, मगर छोटा सा पार्क है, ना इसमें कोई झूला था कुछ भी नहीं, सिंपल चलने फिरने के लिए था। अगर कोई सुबह जॉगिंग के लिए जाए तो उसके लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मगर बच्चे खेलना चाहें तो वैसे खेल सकते हैं। और वहाँ से मैं ये फ्लावर्स लेके आई जो काफ़ी मुझे प्यारे लग रहे थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, बाय फ्रेंड।